क्वेश्चन है कि आपके पास एक टैंक है, लिक्विड का भरा हुआ टैंक है, और कितने हाइट पर लिक्विड है? एच हाइट पर लिक्विड है। किसी ने यहाँ पर होल कर दिया, और होल करने का मतलब यहाँ पर पानी निकलना स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन है कितनी देर में टैंक खाली होगा, समय बताओ, क्वेश्चन है। तो टाइम टू एम्प्टी द टैंक। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर लॉजिक ये लगेगा, जितना पानी टैंक में नीचे उतरेगा उतना पानी यहाँ से होल से बाहर निकलेगा। तो एक सेकंड में कितना वॉल्यूम नीचे आ रहा है, एक सेकंड में उतना ही वॉल्यूम बाहर निकल रहा है। तो वॉल्यूम कमिंग डाउन पर सेकंड इज वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकंड विल रिमेन सेम। पहला लॉजिक क्लियर है यहाँ तक। अब ये बताओ कि जब ये लेवल यहाँ पर था, फिर नीचे 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 आया होगा, फिर और नीचे आया होगा, तो बहुत छोटा लेवल चेंज हुआ होगा, कितना? डीएच। धीरे धीरे हो रहा है ना, तो डीएच स्मॉल चेंज इन हाइट है। तो स्मॉल चेंज इन हाइट डीएच है, और एरिया टैंक का कैपिटल ए है, और होल का एरिया स्मॉल ए है। तो टैंक का एरिया कैपिटल ए है और ये हाइट डीएच है, तो ये वॉल्यूम, शेडेड वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू डीएच, एरिया इंटू डीएच। तो ये क्या आ गया? वॉल्यूम जो नीचे उतरा। वॉल्यूम जो बाहर आ रहा है वो कैसे निकलता है? वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या है? अंडर रूट ऑफ 2gh इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एरिया इनटू वेलोसिटी, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड। तो वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकंड क्या हुआ? एरिया इनटू वेलोसिटी। और वॉल्यूम कितना? वॉल्यूम नीचे उतरा, एरिया इनटू dh। पर हमने निकाल लिया वॉल्यूम कितना निकला पर सेकंड, तो इसको किससे डिवाइड कर दिया? टाइम से। तो एरिया इनटू dh बाय dt आपको क्या दे रहा है? वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड जो नीचे उतर रहा है, और ये क्या दे रहा है? वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड जो बाहर आ रहा है। अब दोनों की वैल्यू तो एकदम बराबर है, और साइन इसमें नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों? क्योंकि रेट नीचे डिक्रीज हो रहा है, पानी का, पानी जो है वो लेवल डिक्रीज कर रहा है, तो रेट कम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव। तो इसमें थोड़ा मैथ्स लगेगा। एच वाली टर्म्स एक तरफ, जिनमें एच आ रहा है वो एक तरफ, और बाकी सारी टर्म्स एक तरफ। तो जीरो से टी टाइम में टैंक खाली हुआ, और हाइट की लिमिट क्या लगेगी? पहले हाइट पानी की कितनी थी? एच, और बाद में टैंक खाली हो गया तो हाइट की लिमिट क्या लगी? जीरो। तो यहाँ से अंडर रूट ऑफ 2g बाहर आ गया, h का अंडर रूट ऊपर गया तो h की पावर माइनस हाफ, इसकी इंटीग्रेशन h की पावर हाफ बाय हाफ, 2 ऊपर आ गया, रूट h आ गया, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो ये टर्म आ गई, माइनस माइनस प्लस, तो ये टर्म आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम आ गया। आपको नॉट फॉर एनसीईआरटी, पूरी शीट पे लिख लें, नॉट फॉर एनसीईआरटी, स्कूल के लिए कुछ नहीं करना आपने इसमें से, ये फॉर्मूला मार्क करें सिर्फ। ये थ्योरी का टॉपिक जो मैंने करवाया, अगर ये फॉर्मूला भूल जाए, स्पेशली नॉन मेडिकल वालों को, वो तो बना लेंगे, मेडिकल वालों को ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला मार्क करें। तो कितने टाइम में टैंक खाली होता है? टैंक का एरिया कैपिटल ए और होल का एरिया स्मॉल ए, अंडर रूट ऑफ 2h बाय g। क्लियर है यहाँ तक? तो इतने समय में टैंक खाली होगा। क्वेश्चन कैसा आएगा ये देखो, इफ हाइट ऑफ लिक्विड इन द टैंक इज 15 meters, तो हाइट कितनी है टैंक में? 15 meters पानी है, एंड इट गेट्स एम्प्टी इन 3 minutes, 3 minutes में खाली होता है। तो बताओ टाइम, जब 25 meters पानी था तो रूल क्या है? टाइम का फॉर्मूला ये रहा। अब दोनों केसेस में ना तो टैंक का एरिया चेंज हो रहा है, ना होल का एरिया चेंज हो रहा है, ना ये चेंज, ना ये चेंज, ना जी चेंज, ना टू चेंज। तो क्या चीज चेंज कर रहे हैं? हाइट ऑफ पानी। तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एच। तो दो केस बनेंगे, पहले टाइम टी वन है जब हाइट एच वन है, टी टू है तो हाइट एच टू है, दोनों को डिवाइड कर लिया। तो पहले केस में टाइम 3 minutes के बना है जब हाइट 15 meters है, सेकंड केस में हाइट 25 meters है। तो टाइम आपको निकालना है, सॉल्व करके टाइम कैन बी कैलकुलेटेड। तो वह फॉर्मूला काम आएगा आपको, जब एम्प्टी या टैंक का क्वेश्चन आएगा तो इतनी बड़ी थ्योरी कौन ही बनाएगा इंटीग्रेशन से, बट रूल समझ में आ रहा है कि कैसा फॉर्मूला इसमें लगेगा। ठीक, तो आज के बाद कभी भी टैंक खाली करने का क्वेश्चन आए जिसमें टाइम पूछे, पर फॉर्मूला लगा हुआ आंसर आएगा। देखो मिलता जुलता क्वेश्चन है, ट्राई करो, ट्राई करो। There is a hole of area given in a container, cylindrical vessel containing a liquid up to height of h,
लिक्विड फ्लोज इन टाइम टी, तो एच हाइट का लिक्विड है और टी टाइम में टैंक खाली हो गया। इफ लिक्विड वेसल फिल टू हाइट ऑफ 4 h, तो टाइम बताओ कितनी देर में टैंक खाली होगा। तो सेम, ना तो एरिया चेंज हो रहा है ना जी चेंज हो रहा है, तो अगेन फिर से टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ हाइट। पहले केस में हाइट एच है तो टाइम टी है, दूसरे केस में हाइट एच की जगह 4 h है तो टाइम टी डैश है। इन दोनों को डिवाइड करके आंसर सही है। तो टैंक खाली करना आ गया, कैसे कितने टाइम में टैंक जो है वो खाली होगा। इस क्वेश्चन को देखें, कंसिडर अ वाटर जार ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो वाटर जार है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, दैट हैज वाटर फिल्ड अप टू हाइट ऑफ कैपिटल एच, मीन्स का हुआ क्वेश्चन है वैसे बता दूं, एंड कैप्ट ऑन अ स्टैंड ऑफ हाइट स्मॉल एच थ्रू अ होल ऑफ रेडियस स्मॉल आर एट इट्स बॉटम द वाटर लीक्स आउट एंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर कमिंग डाउन टूवर्ड्स द ग्राउंड हैज अ शेप लाइक अ फनल एज शोन इन द फिगर। रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाटर स्ट्रीम जब हिट करते हैं ग्राउंड को एक्स है, तो एक्स किसके इक्वल है। देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ इजी लैंग्वेज में, डायग्राम गिवन होगा आपको। ये एक सिलेंडर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, टैंक ठीक है फिल्ड है, कहाँ तक फिल्ड है कैपिटल एच तक फिल्ड है। नीचे किसी ने होल कर दिया, होल काट दिया ऑफ रेडियस आर, तो डायमीटर कितना 2r, तो पानी नीचे गिरेगा। पानी नीचे गिर रहा था, किसी ने फनल टाइप अरेंजमेंट कर दिया और पानी ऐसे टेपर होता हुआ नीचे गिर रहा है, तो रेडियस आर से नीचे रेडियस कम होता जा रहा है और जमीन पे आते आते इसका रेडियस क्या हो गया एक्स, डायमीटर 2x। तो वो पूछ रहा है कि और ये जो हाइट है ये स्मॉल एच गिवन है, क्वेश्चन है एक्स बताओ क्या होगा। ठीक, तो लिक्विड का लेवल कैपिटल एच, पानी यहां से निकलेगा यहां पर गिर रहा है, एक्स बताना है कितना है। तो आपको इस क्वेश्चन में अगर x बताना है तो इतना तो समझ में आता है कि जितना वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड यहां से निकलेगा उतना ही वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड यहां से भी निकलेगा, जाएगा कहां पर, उड़ थोड़ा जाएगा इसमें फनल में। तो यहां पे एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, और मान लो वेलोसिटी लिक्विड की यहां पे एंट्री कितनी है v1, तो एरिया इंटू वेलोसिटी पाई आर स्क्वायर इंटू v1। यहां पे एरिया क्या है पाई एक्स स्क्वायर और वेलोसिटी क्या है v2, तो पाई एक्स स्क्वायर इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से v1 क्या है, v1 होल यहाँ करो या यहाँ करो बात एक ही है, तो एफ्लक्स की वेलोसिटी क्या होती है अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल एच, तो v1 की जगह अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल एच। यहाँ पे वेलोसिटी v2 निकालनी है, तो हाइट क्या है लिक्विड की यहाँ से कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, तो एफ्लक्स क्या होगा अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। तो वेलोसिटीज हमने एफ्लक्स से निकाल ली और एरियाज हमें ऑलरेडी पता थे, स्क्वेयरिंग करो एक्स निकाल देना आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है बाकी इसमें। बट हाँ जब फर्स्ट टाइम आया होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल तो रहा ही होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को किया। ठीक,